हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू बियॉन्ड ट्रेडिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग काफ़ी एक पॉपुलर एक स्टाइल है ट्रेडिंग का। इसमें हम बहुत ही जल्दी एंटर करते हैं अपनी ट्रेड में और काफ़ी जल्दी हम निकल जाते हैं। जो एक हमारा ट्रेड का ड्यूरेशन होता है वो 1 मिनट से लेकर हमारा 15-20 मिनट तक का ही होता है। इसमें बहुत लंबी हम ट्रेड को होल्ड नहीं करते। तो इसमें यही है, हम छोटे छोटे जो प्राइस के मूवमेंट होते हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जो रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अगर आपने सक्सेसफुली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है तो ये रूल्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने एक तो हमने बहुत जल्दी हमने जो भी हमारे अगर हमारी पोजीशन हमारे अगेंस्ट जा रही है तो जो भी हमारा लॉस हो रहा है हमने एकदम से कट करना है। हमने हमारे प्री डिफाइंड रूल होंगे कि भाई अगर हमारी ये हमारी मतलब इस लेवल पर आके अगर मार्केट आया था तो हमने एकदम से अपनी चाहे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है हमने अपनी पोजीशन निकाल देनी है। ठीक है, और इसमें हमने हमारी एक लिमिट होती है लॉस की। अगर वो लिमिट हमारी एक्सीड हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही होती हैं और उस दिन शायद वो दिन आपका नहीं होता है, तो उस दिन आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को बंद कर देना है। यानी कि आपने फर्दर ट्रेड नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। डिफाइन योर एज, अपनी जो आपकी एज है यानी कि जो आपने बैक टेस्टिंग करके जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हो वो आपके पास टेक्निक होनी चाहिए और उस टेक्निक के बेस पर ही आपने अपनी ट्रेड लेनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमारी जो ट्रेड्स होती है वो काफ़ी मल्टीपल ट्रेड्स होती हैं, यानी कि हम दिन में 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ब्रोकर है दैट शुड बी अ डिस्काउंट ब्रोकर, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमारी ब्रोकरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं और ब्रोकरेज हम 200 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ब्रोकर है वो डिस्काउंट ब्रोकर होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो हम जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम जिस चीज़ में भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें स्प्रेड बहुत यानी कि उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं, जो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑप्शंस में हैं बट उनके जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। बायर अगर 10 पे खड़ा है तो सेलर 15 पे खड़ा है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी जो ट्रेड का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है तो उस टाइम पे जो बिड और आस्क का जो स्प्रेड है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिक्विड होते हैं, तो इनमें हमें ये स्प्रेड की दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपने स्टॉक में भी ये चीज़ करनी है तो आपने देखना है कि वहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। जब भी दिन का आपका जो मैक्सिमम आपका लॉस की लिमिट है वो अगर हमारी एक्सीड हो जाए तो उसके बाद आपने ट्रेडिंग अपनी बंद कर देनी है। फ्रेंड्स, हमारी जो टेक्निक है वो बेसिकली सुपर ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पे बेस्ड है। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स है, यानी कि जो सुपर ट्रेंड हम लगाएंगे जो इंडिकेटर हमारा उसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं, जो भी हमारे इंडिकेटर जो हमें ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं उनकी 10:3 या 7:3 होती हैं। तो आपने जो सेटिंग्स है उनकी 10:2 कर लेनी है। टाइम फ्रेम हमारे यहाँ पे 3 मिनट्स का होगा, 3 मिनट्स में हमने स्कैल्पिंग करनी है। और जब भी सुपर ट्रेंड को टच करेगी हमारी कैंडल उस टाइम पे हमने एट द मनी यानी कि जो लेवल उस टाइम पे आपके जो भी आपके इंडेक्स है या जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसका जो एट द मनी कॉल या पुट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन वो आपने खरीद लेनी है। ये मैं आपको चार्ट पे अच्छे से समझाऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा। ठीक है, और हम अपनी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर लेनी है जब भी हमारी जो कैंडल है जिस पर हमने ट्रेड लिया वो या उसके आगे कोई कैंडल सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके बंद कर दे। ठीक है, और इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है, हमने ट्रेड का वेट करना है, जबरदस्ती हमने ट्रेड में नहीं घुसना। जब हमारे जो सेटअप है उस पर हमारे अगर जो हमारी सारी चीज़ें हमारी आती हैं सेटअप के हिसाब से तभी हमने ट्रेड लेनी है। आप एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो मार्केट है हमारा, मार्केट कभी भी वन वे ऐसे नहीं जाता। मार्केट हमेशा फ्रेंड्स, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो वो अगर ऊपर जाना है मार्केट ने वो इस तरह से आपका जाएगा, मतलब वो रिट्रेस करेगा थोड़ा फिर जाएगा। तो ये जो रिट्रेस कर रहा है, ये जो नीचे रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिलता है, ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स हैं हम इन्हीं पॉइंट्स पे सुपर ट्रेंड का यूज़ करेंगे और इन पॉइंट्स को हम यहाँ से जो ऊपर की मूवमेंट है या नीचे की मूवमेंट होती है वो हम उसको कैप्चर करेंगे। तो बेसिक हमारा फंडा यही है, हमने रिट्रेसमेंट सुपर ट्रेंड पे रिट्रेसमेंट हमारा जो है बहुत सही काम करता है, इसलिए हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को चूज़ किया। ये बैक टेस्टेड टेक्निक है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मैं, ये एक बैक टेस्टेड और मैं खुद भी इसको करता हूँ। तो हम चार्ट पे चलते हैं इसको समझने के लिए। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट है, आप हमें देख रहे हैं। टुडे इज 30th of August, तो ये लेटेस्ट चार्ट ही है। ठीक है, तो हम इसी पे देखेंगे अपनी जो टेक्निक हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो किस तरह से काम करती है और इसको और अच्छे से हम चार्ट पे समझ लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पीछे थोड़ा चले जाते हैं इसको बैक टेस्ट करने के लिए। हम पिछले 4-5 दिन का डाटा ले लेते हैं। आज 30th है, कल मार्केट क्लोज था,
हम इसको 25 से ले लेते हैं, तो 25 पे हम आ गए, यहाँ पे हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कोई ट्रेड नहीं हमारी। ठीक है, हमने ट्रेड में कब एंटर करना है, जब मार्केट में कोई एक मूवमेंट हो, एक तरफ की मूवमेंट हो, यानी कि जैसे सुपर ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे, सुपर ट्रेंड ने दिखा दिया कि नीचे का हमारा ट्रेंड है। ठीक है, ये हमारे सुपर ट्रेंड है और ये जो आप देख रहे हैं ये वी वैप है। वी वैप जनरली मैं चार्ट पे हमेशा प्लॉट रखता ही हूँ कि एक बड़ा अच्छा एक हमारा ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट की जनरली जो बायस है किस तरफ है। तो ये जो है ये हमारा सुपर ट्रेंड है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुपर ट्रेंड दे दिया हमें कि भाई नीचे की हमारी जो ट्रेंड है नीचे का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आप देखो नीचे की कितनी एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर एक नीचे की कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट किया है। अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट किया है। एक सेकेंड, ये आप देखो इसने ऊपर मार्केट इतना नीचे गया, यहां पे आके इसने एक रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, ये हमारा यहां पे एक हमारा ट्रेड बनती है। आप ध्यान से समझो उस चीज को, जैसे इसने यहां पे इसको इसको टच किया, आपने टच करने पे ही यहां पे जो भी एट द मनी इसकी, क्योंकि अभी नीचे का मूवमेंट है तो यहां पे हमारी बनेगी पुट, हम यहां पे नीचे एट द मनी पुट ले लेंगे। अब हमने यहां पे फ्रेंड्स एट द मनी इसकी पुट ले ली, यहां पे लेवल क्या है बैंक निफ्टी का आप देखें, एक सेकेंड, यहां पे जो हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है दैट इज 35,900, तो 35,900 की हम यहां पे पुट ले लेंगे। उसके बाद आप देखो इसने फिर इसको रिट्रेस, यहां पे रिट्रेस करके यानी कि ऊपर जाके फिर एक जो वापस से मूवमेंट स्टार्ट की है, आप देखो ये नीचे गया है 35,700 यानी ऑलमोस्ट 200, और कितनी देर में फ्रेंड्स 948 को उनकी वाली कैंडल पे इसने टच किया है, इसको रिट्रेस किया है, और ये 1018 यानी कि 948 वाली कैंडल है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में इसने 200 पॉइंट के आसपास की हमारी मूवमेंट कर दी। तो हमने यहाँ पे अगर इसको अपनी जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से यहाँ पे हमने अगर पुट ली होती तो हमें एक बहुत अच्छी एक मूवमेंट हमें मिलती है, हमारे दिन की पहली ट्रेडिंग हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे देती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो फ्रेंड्स ये फिर यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, यानी कि लोग यहाँ पे इस लेवल पे आके बाइंग स्टार्ट कर दी लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी, फिर ये रिट्रेस करके फिर ये वापस हमारे सुपर ट्रेंड को टच किया इसने। जब ये यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट टच कर दिया, जब यहाँ पे आया फिर इसने दोबारा से नीचे की मूवमेंट दिखा दी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, एक हमारी बैक टेस्टेड चीज है कि जब भी ये सुपर ट्रेंड के आसपास आएगा वहां से ये रिट्रेसमेंट मिलती है, 70% ये रिट्रेसमेंट हमें मिलती है, क्योंकि मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं होता है, दो तीन बार आपको लॉस लगेंगे। मेन इसमें यही है, जब भी आपको लॉस लगे लॉस हमारा छोटा हो, और जब प्रॉफिट हो में, प्रॉफिट में हम अपने ट्रेल करते हैं क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे किसी ने अगर मान लो अगर पुट बाय की है 35,900 की, तो अपना ट्रेल करेगा अपना ट्रेल करता रहे, जो लास्ट कैंडल है उसका जो भी हाई है उसको अपने स्टॉप लॉस बना के ट्रेल करता रहे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एंटर किया, इसके हाई को आप अपना स्टॉप लॉस बना लो। ठीक है, फिर ये इस कैंडल के हाई को बना लो, ऐसी इसको बना लो, तो आप पूरा ट्रेल करते हो, पूरा अपना ये मूवमेंट कैप्चर कर लोगे, आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक ट्रेड हमारे यहाँ पे हमें अच्छे प्रॉफिट दिया, दूसरी ट्रेड ने भी हमें यहाँ पे एक अच्छा इसमें दे दिया होगा। ठीक है, अगर हम ट्रेल करेंगे तो हम यहाँ पे यहाँ निकल गए होंगे, इसके हाई पे हम निकल गए होंगे। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे 40-50 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल गई होगी। स्कैल्पिंग में फ्रेंड्स यही है, हमें 10-20-30-40 पॉइंट नहीं देखना, हमें बस अपने रूल फॉलो करने हैं। जब अपने रूल फॉलो करेंगे प्रॉफिट अपने आप ही आएगा, लॉस भी होंगे, बिकॉज लॉस तो देखो होने ही है मार्केट में, कोई कभी ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटजी हमें सब प्रॉफिट दे, बट हमें यही है लॉस हमारे छोटे हों और प्रॉफिट में हम खड़े रहें और प्रॉफिट हमारे बड़े हों। अब आप यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इसने ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने यहाँ पे टच किया होगा। ठीक है, उसके ऊपर निकली होगी, आपने यहाँ पे एंट्री की और जब इसने क्लोज कर दिया आपने यहाँ पे क्लोज कर दी, तो आप अगर देखो यहाँ पे आपको लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ हमारा 810 पे हमने एंटर किया होगा और 844 पे हम, यानी कि 30-35 पॉइंट का हमें लॉस है। ठीक है, जब प्रॉफिट हमें हो रहा है तो हमें बड़ा हो रहा है, लॉस हमें छोटा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने लॉस बुक किया, हम जल्दी आगे। अब हम आगे गए, दोबारा से इसने नीचे की मूवमेंट दिखा दी। ठीक है, कोई रिट्रेसमेंट अभी नहीं दिख रहा हमें, यहाँ पे आके फिर इसने इसको यहाँ पे छुआ है, हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। ठीक है, अब कैंडल हमारी नीचे क्लोज हुई है तो हम इसमें से नहीं निकलेंगे,
अदरवाइज कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज हो गई होती सुपर टेंट के, तो हम अपनी पोजीशन को खत्म कर देते, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे इसने टच किया था, हम कैंडल इसने क्लोज कर दिया, हम यहाँ से पोजीशन से निकल गए। यहाँ पे इसने टच किया, रिट्रेस किया, उसके बाद ये ऊपर गया, बट ये वापस फिर नीचे आकर इसने बंद किया। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटर किया, फिर आप देखो हमने एंटर किया 35,000 ऑलमोस्ट 800 पे, और इसने मूवमेंट ये आराम से इसमें हमें 100-150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे दे दी। ठीक है, ऐसे ही फिर इसने यहाँ पे टच किया, उसके बाद फिर इसने कैंडल यहाँ पे दूसरी क्लोज कर दी। ठीक है, हमें 10-20 पॉइंट का नुकसान हुआ, कोई नहीं, छोटे छोटे नुकसान हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने सुपर ट्रेंड ने ऊपर का ट्रेंड दिखा दिया, जब इसने ऊपर का ट्रेंड दिखा दिया, यानी कि अब हमारी ग्रीन ग्रीन हमारा इसका कलर हो गया, तो इसने ऊपर का ट्रेंड हमारा दिखा दिया। फिर इस जब इसने ऊपर का ट्रेंड दिखाया, तो अब हम ऊपर के हिसाब से सोचेंगे, यानी कि अब हम नीचे आएगा तो उस रिट्रेसमेंट में हम इसको एंटर करेंगे। अब इसने हमारा ऊपर का ट्रेंड है, ग्रीन हमारा सिग्नल कर दिया इसने, फिर इसके बाद इसने यहाँ आके देखो सुपर ट्रेंड ने यहाँ के टच किया, यहाँ के टच किया 35,720 पे, उसके बाद फिर इसने ऊपर की मूवमेंट दिखाई, देखो ऊपर की मूवमेंट दिखाई इसने। ठीक है, और ये आराम से आपका 820 यानी कि 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे आपको आराम से मिल जाती। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी एक हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता। ठीक है, उसके बाद फिर इसने यहाँ पे भी टच किया होगा, यहाँ पे टच किया होगा, उसके बाद इसने कैंडल इसने क्लोज कर दी, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ होगा, हम निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप देखो आपको ट्रेड्स इसमें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे हमें जो ट्रेड मिली होगी इसमें भी नुकसान होगा 10-20 पॉइंट का, कोई बात नहीं। ठीक है, रोज इसमें आपको 2-3 ट्रेड्स आराम से मिलेंगे। ठीक है, बस आपने ये देखना है, रूल फॉलो आपने करने हैं, रूल से आपने डेविएट नहीं करना। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो ऊपर की मूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन है, ऊपर की मूवमेंट है। अब ये जब नीचे आएगा, यहाँ पे देखो आया, इसने टच किया, आप देखो कितना परफेक्टली फॉलो कर रहा है हमारा जो सुपर ट्रेंड है, ये इतना मतलब परफेक्टली फॉलो कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, ये टच किया इसने यहाँ पे, और एकदम से फिर आप देखो मूवमेंट आई ऊपर की, फिर इसने यहाँ पे टच किया, फिर आप देखो मूवमेंट देखो, आप ये मतलब कहाँ मतलब सीधी मूवमेंट आई है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आके आपकी जो है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा होगा, वही है फ्रेंड्स, मूवमेंट होगी तो हमें बड़ी कैप्चर होगी, और जो हमें स्टॉप लॉस होगा वो हमारा छोटा होगा। तो यही हमारे इस जो स्ट्रेटजी है इसकी ब्यूटी है, इसको आप फॉलो करो, इसको आप ट्रेड कीजिए, इसमें डेफिनेटली आपको फायदा होगा। बहुत मतलब रोज की 2-3 ट्रेड आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे। यहाँ देखो फ्रेंड्स नीचे की मूवमेंट, ठीक है, हालांकि यहाँ पे इसने वीवैप से रिट्रेस किया है, तो अभी वीवैप को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वीवैप का रिट्रेसमेंट भी हम देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, कहीं भी आप फ्रेंड्स देख लो, यहाँ देखो टच किया, टच करते परफेक्टली एकदम से बाउंस, एकदम से यहाँ भी आपको 20-30 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेगा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो होना ही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ऊपर टच किया, फिर नीचे की मूवमेंट आई, मूवमेंट तो नीचे की, जब भी ये रिट्रेस करेगा टूवर्ड्स हमारा सुपर ट्रेंड, एक अपोजिट साइड में मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में हैं, इसने जाके यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर देखो टच किया इसने, फिर ये नीचे आ गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखो हमारी जो मूवमेंट है वो ऊपर की है, यानी कि हमारा सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दे दिया हमारे, अब हमारा जो ट्रेंड है ऊपर का है। यहाँ पे आके ऊपर जाके इसने रिट्रेस किया, नीचे आया, ये देखो यहाँ पे इसने टच किया, फिर बाउंस किया, इतना ऊपर तक गया, यहाँ भी हमें 30-40 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगता है, कोई बात नहीं। कभी भी आप फ्रेंड्स इसमें देखो, इसमें मूवमेंट आपको अच्छी मिलेगी मिलेगी। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट है, ठीक है, हमारा ग्रीन है, जब इसने टच किया इसको, फिर ये इसने देखो एक ऊपर की मूवमेंट दिखाई यहाँ से। ठीक है, तो जब भी हमारे सुपर ट्रेंड को टच करेगी, रिट्रेस करेगी, जब जो भी हमारा कैंडल है, उस टाइम पे हमें एक बाउंस बैक मिलेगा। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर का ट्रेंड है, नीचे आया, यहाँ पे टच किया और सीधा ऊपर। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, आपने यहाँ पे एंटर किया होता 35,718, आराम से आपको 60-70 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती थी। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होता। तो फ्रेंड्स ये जो एक स्ट्रेटजी है, इसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कीजिए, और मैं बता रहा हूँ आपको इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।